स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही थी ये फर्स्टली और सेकंड मेथड, दो मेथड बता रही थी मैं आपको इसके। तो देखिए बच्चों, इसमें नियरेस्ट 1000 की जब हमने किया तो हमारा आंसर 6000 आया, और हमने इसको लिखा कि इट इज़ नॉट ए रीजनेबल एस्टिमेट, ये रीजनेबल एस्टिमेट नहीं है। फिर सेकेंडली मेथड मैंने किया, देखो पहले मैंने इसको नियरेस्ट 1000 किया था, अब मैं इसको नियरेस्ट 100 करके दिखाऊंगी आपको। जब हम नियरेस्ट 100 करेंगे तो आप इस 73 को देखो, तो 73 को रिप्लेस करके 100 लिखेंगे, क्योंकि नियरेस्ट 100 में मैंने आपको रूल बताए थे ना, ये देखो पीछे बताए थे मैंने आपको, अभी ये यहाँ पर हैं, ये देखिए कि अगर 1 से लेके 49 होता है तो 00, अगर 51 से लेके 99 होता है तो 100, 100 से हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, ये पीछे रूल्स को आप ध्यान में रखना जो भी मैं बता रही हूँ आपको। तो देखो जब हम इसका नियरेस्ट 100 करेंगे तो इसका 100 हमने लिख दिया 73 का, तो इसके प्लेस पे 0, इसके प्लेस पे 0, 6 और 1 प्लस करेंगे 7, तो ये 5 का 5 आ गया, तो 5700 आ गया। ऐसे ही आप इसको करोगे, 36 को राउंड ऑफ करोगे 100, तो 0 0 आएगा, ठीक है, 4 एज इट इज़ आएगा, तो 400 आ गया। फिर आप माइनस कर देंगे, माइनस करा तो 5300 आ गया। अब देखो पहले वाले का आंसर मेरा आ रहा था 6000, और सेकेंडली मेथड अगर मैंने करा तो इसका आ रहा है 5300। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5300 है, ये देखो, ये जो मैंने एक्चुअल स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि माइनस कर लीजिए स्टार्टिंग में, ये देखो 5237। अब आप बताइए, ये जो स्टार्टिंग में हमने माइनस करा था 5237, ये किसके ज़्यादा क्लोज है, ये 6000 के क्लोज है या फिर 5300 के? तो ऑब्वियसली 5300 के ज़्यादा क्लोज है, तो इसलिए हमें ये वाला मेथड ज़्यादा बेस्ट है, और ये इतना रीजनेबल मेथड नहीं है। क्योंकि बच्चों एस्टीमेट में करते समय, राउंड ऑफ में करते समय हमें ये देखना होता है कौन सी चीज़ किसके पास है ज़्यादा, तो पास वाला जिसका होता है ना, नियर होता है, वही लिखना होता है हमें राउंड ऑफ। तो इसका मतलब 53 इज़ नियरर टू बी 53, इसके ज़्यादा आसपास है, ठीक है, मतलब ये दोनों आसपास हैं देन इसके 6000 के, तो इसलिए ये वाला एस्टिमेट हमारा सही रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमें देखना होता है, और इस आंसर को हमने लिखा भी है, सो इट इज़ ए बेटर एंड मोर मीनिंगफुल एस्टिमेट, ये बेटर भी है और मीनिंगफुल एस्टिमेट भी है। ओके, तो ऐसे आप देख पाएंगे। इट मीन्स कि ये वाला मेथड मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दो मेथड करके बताए हैं कि देखिए इसके करने पर इस पर क्या असर पड़ता है, और इसका करने पर इस पर क्या असर पड़ता है, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आगे है बच्चों नियरेस्ट प्रोडक्ट, सॉरी टू एस्टिमेट प्रोडक्ट।